सर रात को 1 बजे की बात है, मुझे फोन करके इरफान ने बुलाया था कि तेरे पापा के पैसे इनको आकर ले। जब मैं गई रात के 1 बजे? 3 बजे। रात के 3 बजे? हाँ, तो उसने मुझे फोन कर बुलाया कि तेरे पापा के पैसे आकर इनको ले। जब मैं गई तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, राधे ने मेरा मुंह दबाया, दोनों ने मेरे संग रेप गलत सलत काम किया। अच्छा, कहाँ लेके गए? हमारे पास एक डंडा वहां पर। अच्छा, घर वाले मतलब नहीं थे उस वक्त में जब मेरी फोन मम्मी आते? सोई हुई थी, पापा क्या करते, कहाँ थे? अच्छा, पापा ट्रक पे गए हुए थे। तो मतलब वो लोग यहाँ आए, आपको फोन किया, क्या कहा था फोन पे? फोन पे कहा था कि तेरे पापा के पैसे आकर इनको ले जा। ले जा। फिर आप लेने गए थे हाँ, कहाँ? हमारे पास बाहर गई थी। अच्छा, कौन कौन लोग थे? तो 2 लोग थे, दो लोग थे। कितने तारीख की बात है? 1 तारीख की। 1 तारीख की बात है। तो अभी आप लोगों ने जैसे पुलिस केस वगैरह कराया, तो पुलिस कार्रवाई कर रही है? कर रही है सर, क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं सर। वह पीड़ित है, उसके हम मौसी लगते हैं, और जो गांव वाले हैं ये हमसे बोल रहे हैं कि आपको मार देंगे, गांव से निकाला जाएगा और आपको गांव से भगाया जाएगा। धमकियां मिल रही है, हमको मार देंगे तुमको जान से, और हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिला दो हमारे लिए। और कह रहे हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, पुलिस वाला हमारी कार्रवाई नहीं कर रहे, हमको ये इंसाफ कौन कह रहा है चाहिए। कि आपको कुछ नहीं होता? गांव वाले बोल रहे हैं। हाँ, और गांव वाले इस जगन्य अपराध को किया है, क्या उनका नाम? इरफान और आदिल। किस तारीख की ये बात है? एतवार है, इतना हम जानते नहीं कौन सी तारीख है, एतवार थी। अच्छा, आप लोग कहाँ थे तब? कहाँ गए? हम सोए हुए थे। मतलब बेटी घर से बाहर कैसे थी? उन्होंने कॉल किया था इसलिए आई कि तेरे पापा के पैसे हैं, उनको ले जा। तो वो बाहर निकली तो उसका मुंह दबा लिया, एक ने उसका हाथ पकड़ कर खींचा, तो जब दीवार के पास ले गया तो जब ये गलत काम किया उसने। ये बताइए आप मुझे कि पहले क्या उन लोगों का घर पे आना जाना था? उन लोगों का नहीं, कुछ आना जाना नहीं था। फोन नंबर शेयर कैसे हुआ, कैसे कॉल आया? उन्होंने एक दिन कहा था कि एक काम है पुताई का, तेरे पापा के लिए देना है वे। अब हम इंसाफ चाहिए, और हम गरीब लोग हैं, हमारी पुलिस सुनाई नहीं कर रही है। मामले ये है जी कि हमारे जो भतीजी है उसके पास नाइट को कॉल आया कि तेरे पापा का पैसा आया है, वो पैसा ले लो। तो वो पैसा लेने के बाद बाने उसके में घर से बाहर निकली तो जबरन 2 लड़कों ने उसका मुंह दबाया, मुंह दबाने के बाद में उसको बाहर खींच लिया। बाहर खींचने के बाद घर के पास एक बड़ी दीवार है, दीवार के साथ में उन्होंने ये गलत काम किया उसके साथ। गलत काम करने के बाद में वो उनको चंगल से छूट करके हमारे दूसरे घर पे गई, उन्होंने सबको हमको बताया सुबह ये बात। अच्छा, आप लोगों को ये बात बताएगी, लेकिन उससे पहले कौन लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? ये एक का नाम इरफान और एक का नाम दिल्ला। लड़की की उम्र कितनी है? ये सब 13-14 साल की है। 13-14 साल की। जब मतलब बेटी घर से बाहर किस काम के लिए गई, और घर वाले, घर के परिवार के लोग कहाँ? घर के परिवार वाले सब सो रहे थे। आप लोगों को कैसे और क्या बताया गया? हमको ये बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पास आया, मेरे को ऐसे ऐसे जबरदस्ती मेरे साथ किया ये काम, पैसा लेने के लिए मेरे को घर से बाहर निकाला। ये मुझे बताइए कि आपके अभी आप क्या चाहते हैं, पुलिस कार्रवाई कहाँ तक क्या चल रहा है? खैर आपने कराई, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस बोल रही है कि भाई कार्रवाई कर रहे हैं, हमको सब इंसाफ चाहिए। बेटी जिन्होंने बताई कि क्या एक घटना किस तरह से घटी, 2 लोग आते हैं और दोनों लोग कहते हैं उसे कि आपके पापा के पैसे हैं, उसको ले जाइए रात्रि के समय में। मासूम सी बेटी है, क्या समझाता कि ऐसा कुछ होगा, कि उन्होंने क्या सोचा था कि फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है कि लोग अपने मन में क्या बातें रखें? जैसे गुड़िया गई, वो गुड़िया बाहर जाती है और अपने घर से बाहर जैसे जाने के बाद तो उसको वहाँ से ले गए और उनके साथ बहुत गलत किया। मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई करे और एक्शन ले, जल्द से जल्द इसको संज्ञान में लेकर एक मासूम एक पीड़ित परिवार के लिए न्याय दें, और इस मासूम के लिए ज़रूर न्याय दें, और इस तरह के जो जिन्होंने इस जघन्य अपराध को किया है उनको कड़ी से सजा दें। बने रहे आप हमारे साथ, कैमरा पर्सन साबिर के साथ, मैं आपको अपना जो कोली डी टी वी न्यूज़ से, धन्यवाद।